The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गाजियाबाद में जब जब छोले कुलचे का नाम आता है तो सबसे टॉप पे लाला जी छोले कुलचे वालों का नाम आता है, क्योंकि इनके छोले जो देने का जो तरीका है एक यूनिक ही है। मतलब इनके छोलों में आपको फ्रूट मिलेंगे, अनार की चटनी मिलेगी, मतलब एक यूनिक ही कंसेप्ट है। बाकी पूरी रेसिपी को देखना मत भूलना, एंड हम भैया से बात करके आपको यहाँ की पूरी डिटेल बताएंगे और भैया से राज पूछेंगे कि क्यों इतने फेमस है। तो आइए चलिए हमारे साथ। हाँ जी दोस्तों, आगे हम लाला जी छोले कुलचे वालों के यहाँ पे। मैंने आपको बताया जब जब गाजियाबाद में छोले कुलचे की बात होगी तो लाला जी कुलचे वालों का नाम सबसे टॉप पाएगा। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। हेलो सर। हाँ जी, क्या नाम सर आपका? महेश कुमार। महेश कुमार सर, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 30 साल। 30 साल जी। तो सर आप ऐसे क्या मिलाते हो, मतलब जो लोग आपके छोले कुलचे के दीवाने हैं? फ्रूट काटते हैं, जैसे तेल काटते हैं, और आप लोगों को प्यार है जी। और बस जी, मतलब इनके मटर होती है, मटर में ये पहले फ्रूट डालते हैं, फ्रूट डालने के बाद फिर मटर डालेंगे, मटर डालने के बाद फिर ये अनार की चटनी डालते हैं, जो लोग बाग यहाँ के दीवाने हैं। तो हम पूरी रेसिपी दिखाते हैं, तो भैया आप हमारी रेसिपी बनाइए। गाइस हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये आ गया बनाना। मतलब इनके यहाँ के जो फलों की चाट जैसे ही मान के चलो, जो इनके जो छोले हैं, आपको यहाँ पे फलों की चाट का भी टेस्ट एंड छोलों का भी टेस्ट दोनों मिलेंगे। हमारे बनाना की कटिंग हो चुकी है, अब आ गया एप्पल। वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बनाते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि बाहर की चीज खाना मतलब नुकसान देती है, लेकिन अगर आपने लाला जी के छोले खा लिए, मैं कह रहा हूँ आप दोबारा आओगे और अपने बच्चों को भी लेकर आओगे। बहुत यूनिक तरीका है इनका बनाने का। अभी तो फ्रूट कट रहे हैं, जब ये मटर बनाएंगे जब वो देखना क्या जानदार लगेंगे आपको छोले। मतलब हमारे फ्रूट तो कटिंग हो चुके हैं, अब हमारे मटर बनेगी। बनिए सर, ये आगे इनकी गर्मा गर्म मटर। मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है, कुछ तड़के वाले बनाते हैं। मतलब इनके यहाँ के छोलों के अगर आप एक बार चखोगे ना, मैं कह रहा हूँ कसम से आप 2-3 प्लेट तो खा के ही जाओगे यहाँ से। इसका एड्रेस एक बार मैं भैया से कंफर्म करूंगा। वैसे राकेश मार्ग में भी एक बार एड्रेस बताना पूरा। H1 राकेश मार्ग जी। यहाँ पर आके एक बार इनके मटर का जायका का आनंद उठाना, मजा आ जाएगा आपको खा के। ये आगे मटर, अब आगे इनके हाथों का जादू। ये आगे इनके मसाले, ये मसाला हो गया जी जो 30 साल से चलते हुए आ रहे हैं जी। तो मसाले भी घर के ही हैं? हाँ जी, मतलब जैसे बाहर कोई ला बाहर के लाके घर का बता देता है, ऐसे कुछ नहीं, अपने घर से बनाते लाके जी। जी जी, कोई रेडीमेड नहीं रहा जी। ये आगे इनके मसाले हो गए हैं तैयार, अब आएगी इनकी हरी चटनी। इमली का पानी डलेगा इसमें? अच्छा, पहले नींबू पानी आएगा इमली का। ये आ गया इमली का पानी। आप भैया की स्पीड देख ही सकते हैं, राजधानी से भी तेज है। अगर आपको तड़के वाले छोले पसंद नहीं है, अगर आप सिंपल खाना चाहते हैं और बिल्कुल फ्रेश, तो आप लाला जी चाट वालों के यहाँ पे आ सकते हैं। देख सकते हैं प्लेट लगनी स्टार्ट हो चुकी है इनके यहाँ पे। एक बार में 50-50 प्लेट एक साथ बनती है। तो भाई वहाँ पे हमारे मतलब यहाँ फल कटे थे, वहाँ छोले बने थे, अब छोलों पे छोलों को डेकोरेट करेंगे, जैसे कि हरी चटनी आके यहाँ रख रहे हैं। ये हरी चटनी डाल के यहाँ रख रहे हैं, जो कि इनके हाथों का जादू है हरी चटनी। लोग बाग जो कि दीवाने हैं, इसमें पहले हरी चटनी आएगी, फिर अनार की चटनी आएगी।
भाई जैसे वहां से मटर इन्होंने उधर चटनी से डेकोरेट करी, अब इसमें प्याज लगा रहे हैं। अगर ऐसे डेकोरेट होते हुए आपने कहीं देखा है तो आप कमेंट में बताना। गाइस प्याज से डेकोरेट कर दिया, अब आ रहे हैं इनके ऊपर टमाटर। हमारे टमाटर से भी डेकोरेट, अब आ गए हमारे खीरे। अभी इसके ऊपर आएगी फिर अनार वाली चटनी। आप देख ही सकते हैं कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो गाइस आप देख ही सकते हैं एक बार में 50-50 प्लेट एक बार में बनती हैं। ये चुटकी में गायब है, ये चुटकी में। तो भाई हम अपनी प्लेट लगवाते हैं, लगवा के हम यहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं। तो भाई ये हमारी प्लेट लग रही है, ये आगे इनकी अनार वाली चटनी। इधर अनार तो अनार के जूस में नहीं मिलता जितना इन्होंने चाट में दे रखा है। ये हो गया हमारा। ये हो गई हमारी प्लेट रेडी। गाइस हमारे छोले तो हो गए, अब हमारे लग रहे हैं कुलचे। भैया लगाना मुस्कान के कुलचे, मुस्कान के भी जुगल के हैं, जुगल के कुलचे हैं। कुलचे भी A1 ब्रांडेड मिलेंगे आपको, और साथ में अमूल का बटर, मतलब बटर में तो बिल्कुल ये तर कर देंगे। जरा कुलचे कम पराठे ज्यादा खा रहे हैं आप, ऐसा तर कर देंगे। ये हमारी गोल्डन टच आ गई है कुलचों में। एक प्लेट में कितने कुलचे भैया? एक प्लेट में दो कुलचे, 60 रुपए प्राइस है जी, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। प्राइस बहुत रीजनेबल है भाई, जो इतना कुछ दे रहा है भाई, इतना तो बनता ही है जी सर। तो दोस्तों आ गई हमारी प्लेट, आप देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसमें आप देखो अनार, ये अनार है, इतने अनार तो अनार के जूस में नहीं मिलते जितने इनके चाट में अनार है। बाकी हम खा के यहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ये भी नहीं कि तड़कदार वड़कदार जैसे बहुत से पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। बहुत गर्म हो रहे हैं। Right, delicious. बहुत ही यूनिक सही टेस्ट है, खट्टा मीठा। हरी चटनी हो गई, मीठी चटनी भी अनार वाली हो गई, एंड इनका स्पाइसी बिल्कुल खट्टा मीठा लग रहा है। टेस्ट वाइज जैन में ना बहुत बेहतरीन टेस्ट है। अगर आप आ रहे हो तो एक की जगह दो प्लेट खा के जाओगे, और अगर ज्यादा भूख लग रही है तो चार भी खा सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। बाकी अगर आप यहाँ पा रहे हैं तो आपके पैसे पूरे वसूल है। ये नहीं कि अगर आप आ गए भाई आप कह रहे हो भाई मैंने क्या खाया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप कमेंट में बताना कि आपको टेस्ट पसंद नहीं आया, 110% आपको पसंद आएगा। तो अब अगर आप गाजियाबाद में आ रहे हैं तो राकेश मार्ग में आपको लाला जी कुलचे वाले दिख जाएंगे, तो आप आना एक बार अपने रिश्तेदारों के साथ एंड अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आके जगह का आनंद उठाना। मैं कह रहा हूँ पैसे आपके फुल वसूल ही होंगे, फुल वसूल। एंड गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में बेल आइकन होएगा उसे बहुत तेज दबा देना, टन करके डिस्प्ले भी तोड़ देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो गाइस हमने तो खा लिया अपने छोले कुलचे, हमें लगे लाजवाब बेहतरीन। बाकी हमारे भैया जी को तो आप देख ही सकते हो, मतलब फौजी वाली लुक में खड़े हैं बिल्कुल स्ट्रेट। हेलो भैया जी। भैया क्या नाम भैया आपका? मनीष। और सर आपका? कुलचे शर्मा। ठीक है सर, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? दो साल से। एक से तो कैसा लगा आपको टेस्ट? बहुत बढ़िया भाई। आपको 5 साल हो गए? 15 किलोमीटर है हमारा घर। पर्सनली कई बार तो खाने के लिए आए हैं गाड़ी में। इतने टेस्टी लगते हैं आपको? हमने तो पहली बार का पेट्रोल फूंक के खाने आते हैं जी। हमने तो पहली बार गए, हमें लगे लाजवाब, हमारे पैसे वसूल हो गए हैं। 5 साल से खा रहे हैं, 5 साल से खा रहे हैं जी। तुम्हारे यहाँ से गौतम नगर से दादरी से इतनी दूर आए छोले को, छोले कुलचे खाने? हाँ जी, छोले छोले कुलचे बनते हैं बढ़िया। छोले कुलचे का शौकीन हो तो इनके जैसे हो भाई, मतलब 15-15। और इनका स्पेशल रायता, कोई ना तो रोटी तो पहुंच जाएंगे। तो हमारी ऑडियंस एक बार रिकमेंडेड करेगी आए बेबी।
एक बार हमारी होटल से रिकमेंडेड करेगी आई बेबी? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ टेस्ट लेना जी। तो आप भी आना, खा के हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। सेकंड भाई होल्ड, थैंक यू गाइस, थैंक यू, सब आओ सब खाओ जी, थैंक यू गाइस। क्या नाम भाई तुम्हारा? भाई मेरा नाम अब्दुल है। अब्दुल, भाई मतलब कौन सी क्लास में पढ़े हो तुम? मैं नाइन्थ में हूँ। नाइन्थ में, तो कब से खा रहे हो आप यहाँ पे छोले कुलचे? यहाँ पे जैसे स्कूल की छुट्टी होती है मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे खाने मुझे बढ़िया लगते हैं एकदम। अच्छा, कितने साल से खा रहे हो? दो तीन साल हो गए। दो तीन साल हो गए, तो कैसा टेस्ट लगा? इनका बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है, बिल्कुल खुश हो जाता है। और प्राइस भी ज्यादा नहीं है क्या? हम जैसे हमारी उम्र के बच्चों को तो ज्यादा लगता है प्राइस, क्योंकि उस हिसाब से पैसे ज्यादा नहीं मिल पाते ना। पर वैसे वो 60 रुपए अगर खर्च कर रहे हो तो पैसे वसूल है, पेट भर जाएगा इन चीजों से। बाहर की चीज खाने से बढ़िया यही खाना, इससे पेट भरता है, बढ़िया भी है। तो आप भी आना खाना एक बार लाला जी छोले कुलचे वालों पे आना, और यहाँ का खा के हमें टेस्ट बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको। थैंक यू गाइस, थैंक यू।